बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। कल उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, और अमित शाह के इस दौरे से पहले दून में बैठकों का दौर जारी है। देहरादून में भाजपा नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है और अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियां चल रही हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय देहरादून में हैं। उनके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा भी राजधानी में ही डेरा डाले हुए हैं। गुरुवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने पार्टी नेताओं के साथ कई बैठकें की हैं, तो उत्तराखंड में भाजपा संगठन के पेच कसने की तैयारी। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली के लिए भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इस रैली को चुनावी शंखनाद के रूप में बदलने की कोशिश है। यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संगठन के नेताओं के साथ एक बैठक करेंगे। तो अमित शाह के दौरे की तैयारियां चल रही हैं, बैठकों का दौर जारी है। इस जनसभा को और बड़ा भव्य बनाने के लिए कवायद शुरू हो चुकी है। गृहमंत्री के दौरे की तैयारी में भाजपा जुट गई है। कई दिग्गज नेता देहरादून में मौजूद हैं। मदन कौशिक ने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की है। तो अमित शाह की इस रैली को उत्तराखंड में भाजपा के चुनावी शंखनाद के तौर पर देखा जा रहा है। कल उत्तराखंड आ रहे गृहमंत्री अमित शाह कई बैठकें करेंगे और एक जनसभा भी करेंगे। इसकी तैयारियां पुरजोर तरीके से चल रही हैं। अब आपको सीधे देहरादून लिए चलते हैं। पंकज राणा इस वक्त हमारे सहयोगी, वहां से सीधा कनेक्ट है। पंकज, अभी हमने बताया कि बहुत सारे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के वहां पर कैंप कर रहे हैं, बैठकों का दौर जारी है, इस रैली को सफल बनाने की तैयारी है। इसके अलावा आप क्या खास नोटिस कर रहे हैं वहां पर? बिल्कुल राजेंद्र, देखिए चुनावी माहौल पूरी तरह से उत्तराखंड में सज चुका है, और चुनावों के मद्देनजर अगर देखा जाए तो ये भाजपा की पहली शंखनाद रैली है चुनावों के हिसाब से, क्योंकि इससे पहले भी जो भी नेता उत्तराखंड आए हैं वो अपने अपने कार्यक्रमों के हिसाब से वो रहे हैं, और चुनावों के मद्देनजर ये पहली रैली भाजपा की कल होने जा रही है। इसमें अमित शाह सभी तमाम कार्यकर्ताओं को बैठक भी को संबोधित भी करेंगे, उसके साथ साथ तमाम पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के और नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। चुनावों के हिसाब से देखा जाए तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब मात्र 100 दिन का वक्त उत्तराखंड में चुनावों के लिए बचा है, 3 महीने से कम का वक्त है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अगर चुनावों के हिसाब से जिस तरह से पार्टी आगे बढ़ रही है उससे पूरी तरह से चुनावों का रंग पूरी तरह से सज चुका है। तो ये देहरादून के बन्नू स्कूल में इस रैली को संबोधित किया जाएगा, और तमाम कार्यकर्ता 2 दिन से लगातार इसमें जुटे हुए हैं, और ये भाजपा का दावा है कि इसमें लाखों लोगों को शामिल किया जाएगा और तमाम कार्यकर्ताओं से इसमें बातचीत भी की जाएगी। क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं भाजपा के कैलाश विजयवर्गीय, वो देहरादून पहुंच चुके हैं, और तमाम वरिष्ठ नेता भी यहां लगातार डटे हुए हैं। मुख्यमंत्री खुद इसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बैठक भी कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे हैं। विजय बहुगुणा पहुंचे थे तो आज एक संगठन की बड़ी बैठक देहरादून में होने वाली है, जिसमें अंतिम रूप अमित शाह की रैली को दिया जाएगा। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से तमाम कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया, कहा गया है कि वो इस रैली में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले। तो ये कहा सकता है कि चुनावों के हिसाब से भाजपा की काफी महत्वपूर्ण रैली है संगठन की ओर से और वरिष्ठ नेताओं की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज राणा, इन तमाम जानकारी।